तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत, आपका स्वागत करता हूँ TYG सॉफ्टवेयर गुरु के बिल्कुल फ्रेश न्यूज कमाल के एपिसोड के अंदर। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले ब्लैक व्यू के एक और न्यू फोन के बारे में। जी हाँ जी, आपका वही फोन है जिसने अभी रिसेंटली में अपना ब्लैक व्यू A80 प्रो फोन लॉन्च किया था, जो कि काफी सस्ता था उसके प्राइस के अकॉर्डिंग और उसकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक। तो दोस्तों, अब ब्लैक व्यू अपना एक और न्यू फोन लॉन्च करने जा रहा है, जो अभी आपको सेल में मिलेगा फोन और जिसका जो प्राइस हुआ प्राइस काफी कम होने वाला है और जो उसकी स्पेसिफिकेशन है उसकी स्पेसिफिकेशन उसकी बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो दोस्तों, आज की इस पूरी वीडियो को एंड तक देखना, एंड का वीडियो अच्छी लगे तो लाइक मार के चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड साथ में बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्टिंग करेंगे पहले फ़ोन के मॉडल नंबर के साथ। तो दोस्तों, पहले बता दूं, जो उस फोन का मॉडल नंबर है वो है आपका ब्लैक व्यू BV9900। जी हाँ, ये दोस्तों उस फोन का मॉडल नंबर है, आप चाहो तो इसे गूगल पर सर्च कर सकते हो। एंड आप इस फोन को बाय कैसे करोगे तो पहले वो बता देता हूँ। जी, इस फोन को आप अली एक्सप्रेस से जाके आप सीधे बाय कर सकते हो बिना किसी इशू के, और अगर ज़्यादा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके आप फोन को परचेज कर सकते हो। बट उससे पहले मैं आपको नोटिस देना चाहता हूँ, ये फोन आपका भाई 23 से 24 दिसंबर तक सेल में रहेगा। उस समय ये फोन आपको करीबन 23,000 का मिल जाएगा। अदरवाइज इस फोन का जो भाई रियल प्राइस है वो इस फोन का प्राइस होगा करीब आपका 34,000। और दोस्तों, बात करें इस फोन के भाई जो कमाल के स्पेसिफिकेशन क्या है, क्योंकि ये फोन का जो प्राइस है ऑफकोर्स भाई थोड़ा महंगा है भाई हर फोन के मुकाबले में, बट दोस्तों अब इस फोन के भाई जो स्पेसिफिकेशन है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। जी हाँ, इस फोन में आपको 23,000 मिलती है 8GB रैम और 256GB की इंटरनल मेमोरी, जो कि काफ़ी कमाल की बात हो जाती है। और इसका जो आपकी 8GB रैम है वो आपकी बेस्ट है DDR4X के साथ, मतलब कि जो अभी रैम का जो अभी तक सबसे लेटेस्ट वर्जन है उसके साथ इसकी रैम आती है। और इस फोन के जो सबसे अच्छे फीचर्स है वो क्या लगते हैं तो बता दूँ, ये फोन आपका वाटरप्रूफ आता है और इस फोन का जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो फोन के पीछे या आगे ना देती हुए फोन के साइड में दिया हुआ है। और बात कर लें इस फोन की बात कर लें कैमरा के बारे में, तो कंपनी ने इस बार इस फोन में सोनी का 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा क्लियर कैमरा दिया है। साथ में आपको इसमें तीन और सेंसर मिलते हैं, जो कि आपके 16+5+2 मेगापिक्सल के प्लस 16 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा दिया जाता है एक वाटर ड्रॉप नॉच के ऊपर। तो दोस्तों, अगर आप बात करो इस फोन को भाई आपको क्यों परचेस करना चाहिए, तो ऑफकोर्स ये फोन एक आपका नेक्स्ट लेवल फोन है, क्योंकि इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो हर फोन की तरह नहीं दिया गया, फोन के साइड में दिया गया है। इस फोन का जो प्रोसेसर है वो भी काफ़ी हाईलाइटेड होने के लिए, क्योंकि इसमें आपको मीडियाटेक का हेलियो पी सीरीज का ऐसा पहला प्रोसेसर है जो है आपका मीडियाटेक का हेलियो P90, जो कि बेस्ड आपका ऑक्टा कोर पे नहीं, इस फोन में आपके 16 कोर दिए जाते हैं। अब कोर्स क्या होते हैं कमेंट करके बताना, मैं उसके लिए पूरी डिटेल दूंगा, बट अभी आपको एक स्मॉल तरीके समझा देता हूँ कि भाई कोर्स होते क्या है। तो कोर्स एक तरह आप कह सकते हो दिमाग होते हैं, जिस ऐसे कि इस फोन में आपको 16 दिमाग मिल जाते हैं, जो कि फोन की प्रोसेसिंग को काफ़ी स्मूथ कर देते हैं और फोन को गेमिंग के लिए आप कंपनी ने इस बार आपको एक अलग से गेम मोड दिया है फोन के अंदर। बट अदरवाइज अगर इस फोन आप गेमिंग करते हो जैसे पबजी कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल जैसे अगर आप इस फोन में गेम प्ले करते हो, तो ऑफकोर्स इस फोन में आपको कोई हैंगिंग इशू नहीं देखने को मिलेगा। और बात करें इस फोन के स्क्रीन साइज के लेकर और दोस्तों डिस्प्ले की बात करें, तो इस बार कंपनी इस फोन में आपको देती है 5.84 इंच का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले, जो कि काफ़ी कमाल की बात होती है। और इसका जो डिस्प्ले भाई एक्चुअली काफ़ी कॉम्बैट डिस्प्ले की, जिसे आप अपने फोन में इजिली पकड़ पाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। एंड बात करें इस फोन के बैटरी बैकअप के बारे में, तो इस बार इस फोन में आपको 4980 mAh का बैटरी दिया जाता है, मतलब बैटरी बैकअप भी फोन में काफ़ी शानदार दिया जाता है। और इस फोन में एक खासियत और है, ये फोन आपका वायरलेस चार्ज सपोर्ट करता है 10 वाट की। और बता दूं, अगर आप इसे नॉर्मली चार्ज करते हो जैसे आप अपने हर फोन को चार्ज करते हो, तो ये फोन आपकी 16 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, आप बात करें तो ये फोन एक तरह से आपका पूरा कॉम्बो बन जाता है, एज अ गेमिंग के लिए, कैमरा के लिए, और भाई फोन एक नेक्स्ट जनरेशन लगता है। फोन की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी कंपनी ने इंप्रूवमेंट करे है। एंड दोस्तों, बात करें तो ये क्या ग्लोबल बेस्ड कंपनी है, मतलब कि इसके प्रोडक्ट पूरे ग्लोबल में बेचे जाते हैं, ना कि इंडिया में। तो दोस्तों, अगर आपको इसे परचेस करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां से आप जाकर इस फोन को परचेस कर सकते हो। एंड गाइस, अगर आप इस फोन को सेल में परचेस करते हो, मतलब कि अगर आप इस फोन को 23 से 24 दिसंबर के बीच में परचेस करते हो, तो ये फोन आपको मिलेगा 23,000 का। तो दोस्तों, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक मार के चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके अपने सजेशन बताना मत भूलना। और हाँ भाई, वीडियो को लाइक करके जाना। तो मिलेंगे ऐसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।